नमस्ते दोस्तों, आज हमारे पास एक कंप्यूटर बनने के लिए आया हुआ है। और बनने क्या हुआ है, इसको मैं उठा के खुद लेकर आया हुआ हूँ। इसमें दिक्कत यह है कि इसको ऑन करने पे ना डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो पूरा इस सीपीयू को मैंने खोल लिया है। देख रहे हैं, गाली दिख रहा है एकदम पूरा। इसको हम नीचे रख देते हैं और आपको दिखाते हैं मेन चीज़ क्या क्या हमने खोल रखा है। ये देखिए, ये मदरबोर्ड निकाल दिया है बाहर सीपीयू के अंदर से, ये हमने एसएमपीएस निकाल दिया है। सारी चीज़ें बारीक चेक करेंगे क्योंकि डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो अगर आपके कंप्यूटर में भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है, नो सिग्नल लेकर आ रहा है, तो इस वीडियो को देखिए, आपको बताता हूँ कैसे वन बाय वन करके चेक कर सकते हैं, कैसे डिस्प्ले की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, उसके पहले चैनल पहली बार आया हूँ मैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जब भी कोई नया वीडियो बनेगा तो आपके पहुंच जाएगा। और शुरुआत करते हैं आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तो इस माइक को मैं किनारे देता हूँ, थोड़ा मुझे तेज बोलना पड़ेगा, तो ध्यान लगा सुनिए कैसे कैसे क्या करता हूँ। ठीक है, ये देखिए माइक हमारा यहाँ रख दिया हमने है, और इसको रख कर अब हम काम करते हैं। देखिए, पहले जो है मैंने सब सेटअप लगा दिया है, ये एक मॉनिटर लगा दिया है, कीबोर्ड लगा दिया है, एसएमपीएस, ये सारी चीज़ें, और इसको ऑन कर दिया। ऑन करने वाला लिख जा रहा है नो सिग्नल, मतलब सिग्नल नहीं आ रहा है, इससे आउटपुट नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला तरीका चेक करने का कि डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपके कीबोर्ड, देखिए कीबोर्ड है ना ये, इस कीबोर्ड को हमने कनेक्ट कर दिया यूएसबी के माध्यम से। इसमें एक बटन दिया रहता है नल लॉक बटन, ये देखिए, इसको जब दबाएंगे ना, इस बटन को दबाएंगे तो एक लाइट जलेगा बुझेगा। अगर लाइट नहीं और जल बुझ रहा है, इसका मतलब कि इस सेक्शन में कोई दिक्कत है। तो हमको ये मदरबोर्ड चेक करना पड़ेगा, हमको रैम चेक करना पड़ेगा, हमको सीपीयू चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो ध्यान दीजिएगा हमेशा कि नल लॉक बटन जो है, ये नल लॉक बटन जो है, ये देखिए, ये जल रहा बुझ नहीं बुझा, तो ये नहीं जल बुझ रहा है। तो हमने इसको ऑन कर दिया, अब दोबारा इसको बंद कर लेते हैं। यहाँ से हमने पावर यहाँ से बंद कर दिया, अब बताते हैं वन बाय वन करके। तो देखिए, हमने इस सीपीयू के अंदर ये बाहर निकाल के, हमने देखिए ये रैम लगा हुआ है, यहाँ पर सीपीयू है। तो खोलने का तरीका आप सीख लीजिए कैसे खोलते हैं, सारी चीज़ बाहर निकाल लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ से पावर आया हुआ है, पावर हमने लगा दिया आपके अंदर, और इसका एसएमपीएस का जो पावर होता है हमने यहाँ लगा दिया है। अब पहला चीज़ ये करना है आपको है कि एक ब्रश ला करके, सिंपल तरीके से एक ब्रश लेकर करके इसको आप साफ़ कर लीजिए। अगर ऊपर से कर सकते हैं तो ऊपर ऊपर इसको साफ कर, क्योंकि गंदगी के वजह से कभी कभी आपका डिस्प्ले नहीं आता मोटर के। तो पहला इसका दुश्मन है गंदगी, इसलिए आपको, क्योंकि पंखा लगने के कारण मिट्टी बहुत तेज खींचता है, देखिए सीपी फैन लगा हुआ है तो मिट्टी खींचता है, ये कर लीजिए। और करने बाद में फिर उसके बाद सेकेंड मैटर होता है कि आप रैम है ना, ये देखिए, इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, दिख रहा आपको रैम दिख रहा हुआ, जिसके अंदर एक रैम लगा हुआ है। यहाँ पे एक नॉच दिया होता है, ऐसे क्लिक करेंगे नॉच को, देखिए नॉच क्लिक किया हमने करके, एक नॉच यहाँ क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में ये रैम जो है बाहर निकल आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है, मतलब ऑन हो रहा है डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो सबसे पहला काम करिए आप इसी को निकाल करके इसको आप चेंज कर ले, इसको चेक करिए। और देखिए, ये हमारे पास एक चाहिए आपको, एक रुपये का रबड़, जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं यही वाला रबड़ चाहिए आपको, इसको क्लीन करने के लिए। देखिए क्या होता है, रैम कनेक्टेड आपके कंप्यूटर में, मतलब कि मदरबोर्ड के अंदर, तो ये आपको देखिए गोल्डन पार्टनर यही कनेक्टेड होता है। तो कभी कभी इसके अंदर मॉइस्चर आ जाते हैं, या तो यहाँ गंदगी हो जाती है, तो इसके वजह से डिस्प्ले नहीं आता है। तो सिंपल तरीके से एक रबड़ का व्यवस्था करिए आप, और ऐसे रख करके, ये देखिए नीचे वाला पॉइंट जो दिया हुआ है, ये यहाँ पर इसको ऐसे रब करिए, ठीक है ना, यहाँ पर इसको रब करना है। और रब करने के बाद में आपको ऐसे ऐसे करके इसको दोनों साइड से कर लीजिए, रब कर दीजिए। और जहाँ पे ये रैम लगा हुआ है, देख लें स्लॉट दिया हुआ रैम का ना, ये स्लॉट दिया हुआ रैम का दिया हुआ, इस रैम के स्लॉट को मतलब बंद कंडीशन में, और पैर में चप्पल पहन लीजिए जरूर लीजिए, क्योंकि बॉडी में अर्थ आता जमीन से, इसलिए चप्पल या जूता कुछ पहन लीजिए, हमने पहन रखा है। तो आप देखिए यहाँ पे इसको हम क्लीन कर देते हैं, ये क्लीन कर देते हैं ये तरीके से। क्लीन करने के बाद में जो रैम है ना, ये रैम जब लगाएंगे तो देखिए यहाँ एक कट मार्क दिया हुआ है, ये कट मार्क को नोटिस करिए कैसे कट मार्क को लगाते हैं, वरना उल्टा लगाते हैं तो ये रैम जल जाएगा। तो देखिए हमने देख लिया, ये कट मार्क इस कट मार्क से मैच कर लेंगे, और यहाँ से इसको हम ऐसे करके, यहाँ पे हम इसको ऐसे करके लगा देते हैं, लगा दिया, ये बैठ गया ये। तो देखिए हमारा एक यहाँ पर मॉनिटर का तार लग गया है, वीजे केबल लग गया है डिस्प्ले के लिए, और ये हमने कीबोर्ड का तार कनेक्ट कर दिया है। ये दोनों कीबोर्ड इससे कनेक्ट किया हुआ कि यहाँ पे हम अनलॉक लाइट देख सकते, जल्दा बुझा नहीं दिख रहा, और वीजे केबल देख सकते हैं। अब हमको देखिए क्या होता है कि जब कंप्यूटर सीपीयू में लगा होता है ना, तो वहाँ एक बटन दिया होता है ऑन ऑफ करने के लिए, लेकिन अभी हमने बाहर निकाल दिया है। तो इस मदरबोर्ड में ना एक स्विच होता है जिसको हम शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट करने के बाद में हमारा ये कंप्यूटर ऑन होता है। तो दिखाता हूँ, तो हर कंप्यूटर में आपको दिखेगा फ्रंट पैनल नाम से। तो देखिए इस वाले सेक्शन के अंदर मदरबोर्ड, देखिए ये कलर डिजाइन अलग दिख रहा है, दिख रहा है अलग दिख रहा, कलर डिजाइन दिख रहा है। तो इसी के अंदर दो बटन होते हैं, तो इसमें 9 पिन होते हैं, 1 2 3 4 5 9 पिन होते हैं। 9 पिन के अंदर तो इस साइड से होते हैं 9 पिन, अपोजिट साइड में ये दोनों पॉइंट जो दिया रहता है अक्सर, ये शॉर्टिंग पॉइंट दिया रहता है, मतलब उस इस साइड से पहला और दूसरा,
हम देखिए यहाँ से सिंपल इसको हम ऑन कर देते हैं। देखिए पावर यहाँ से पैर में चप्पल पहन रखा हमने, यहाँ से हमने इसको ऑन कर दिया। अगर आप एक्सपर्ट है तभी करिएगा, एक्सपर्ट आप नहीं है तो इस काम को मत करिए, किसी जानकार से कराइएगा। आपको जानकारी देने की हम बता रहे हैं, यहाँ से हमने इसको ऑन कर दिया। अब देखिए ये दो पॉइंट दिया हुआ है क्योंकि इसके अंदर डीसी करंट आता है तो करंट मारने की संभावना कम होती है। तो हमारा मेन यहाँ से पावर लग गया है, एसएमपीएस पावर आ गया, एसएमपीएस का तार यहाँ लग गया है। अब हम यहाँ पे देखिए दो अभी पंखा चल रहा है तो यहाँ पे इसको मैसेज करके दो बटन को शॉर्ट करके फैन चल गया, ठीक है ना। अब फैन चल गया, अब देखते हैं क्या इसके अंदर डिस्प्ले यहाँ पर आया है कि नहीं आया है, तो हम देख लेते हैं। देखिए अभी लाल बत्ती जल रही है और उसके बाद यहाँ अनलॉक बटन पर यहाँ पर भी आपका ये नहीं जल रहा है, नहीं जला ना अनलॉक बटन पर भी, तो इसका मतलब कि डिस्प्ले यहाँ से वहाँ नहीं गया है, डिस्प्ले नहीं गया है। तो ऑप्शन ये बचता है कि रैम को हमने साफ़ कर लिया, अगर आप चाहते हैं तो रैम को इस स्लॉट से निकाल के दूसरे स्लॉट में लगा सकते हैं, किसी में भी चेक कर सकते हैं, उसके बाद भी नहीं आता क्योंकि हमने इसमें निकाल कर लगा लिया है तो अभी डिस्प्ले नहीं आया। तो अल्टीमेटली आपको चाहिए दूसरा रैम चाहिए, इसको बंद कर दिया हमने, यहाँ से रैम इसको निकाल लेते हैं। रैम हमने निकाल दिया और रैम निकालने के बाद में इसको हम किनारे देते हैं। हमारे पास और भी रैम रखे हुए हैं, ये देखिए रैम और दूसरा रखा हुआ है, इस रैम को भी लगा देते हैं क्योंकि। और एक चीज़ नोटिस करिएगा, ऐसा नहीं कि इस मदरबोर्ड के अंदर कोई भी रैम लग जाएगा, हर मदरबोर्ड को सपोर्ट करने वाला DDR2 रैम आता है, DDR3 रैम आता है, DDR4 रैम आता है। तो इसमें लगा हुआ DDR3 रैम तो DDR3 रैम लगेगा ना कि DDR4 रैम लगेगा। तो देखिए हमारा दूसरा रैम DDR3 दिया हुआ है, इसको हम लगा लेते हैं अपने। एक चीज़ हाँ और नोटिस कर लीजिएगा, कभी कभी ना मेगा हर्ट होता है, जैसे कि कुछ ये कम मेगा हर्ट का होगा, ये ज़्यादा मेगा हर्ट का, तो आपके कंप्यूटर में आपके इस मदरबोर्ड में जो रैम लगा रहेगा ना जितना मेगा हर्ट का जितना FSB का वो सेम लगेगा और दूसरा लगेगा नहीं। तो ये देखिए हम इसको लगा दिए, अब इसको दोबारा लगा के हम यहाँ पे ऑन करने का प्रयास करते हैं, दूसरा रैम लगा लेते हैं कि यह वाला सही चलता है नहीं चलता है। तो देख के एकदम पूरा कैसे बैठना चाहिए उसका हार्ट देख लिया, उसको बैठा दीजिए और फिर उसके बाद दोबारा यहाँ पर देखिए एक हमारे पास पेचकस है और पेचकस के माध्यम से दोबारा यहाँ से हमने स्विच ऑन कर दिया और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। हम लोग काम करते करते माहिर हो जाते हैं इसलिए मेरे को डर लगता नहीं है, तो आप अगर नए हैं ना तो ध्यान से काम कीजिएगा। और फिर देखिए यहाँ पर एक दो बटन दिया हुआ, इसको हम इसे शॉर्ट कर दिए, फिर फैन चल गया, हमारा फैन चल गया। फिर हम चेक करते हैं क्या डिस्प्ले यहाँ से आता है कि नहीं आता, अगर नहीं आता है तो हमको अल्टीमेटली फिर रैम दूसरा लाना पड़ेगा, हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो। तो अभी भी डिस्प्ले नहीं आया, देखिए अनलॉक के अंदर यहाँ भी कुछ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, फिर बंद कर देते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो ये रैम लगा हुआ है इस कंपनी का, जो रैम लगा हुआ है, ये रैम लगा हुआ, ये रैम का FSB मैच नहीं कर रहा है। तो दोनों FSB मतलब ये रैम ख़राब हो सकता है और ये रैम FSB मैच नहीं कर रहा है। अब हमारे पास तो हम तो काम करने वाले लोग हैं तो हमारे पास रैम और ही पड़ा हुआ है, तो हम दूसरा रैम लगा चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास रैम दूसरा पड़ा हुआ है, तो अब ये जो है ना जो पुराना रैम लगा हुआ है उसके सेम FSB का है, मतलब सेम पावर का रैम है, DDR3 तो है ही लेकिन इसके बाद जो FSB मेगाहर्ट सेम लगा हुआ। तो अब इसको लगा कर यहीं देख लेते हैं और लगा के इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए लगाने का घाट हमने इसको देख करके यहाँ बैठा देते हैं, घाट को ऐसे हमने इसको बैठा दिया, बोल गया, और उसके बाद हमारे पास ये आता है और फिर यहाँ से हम इसको ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद में ये फिर दोबारा इसको हम यहाँ से ऐसे शॉर्ट कर लेते, फैन चल गया। अब देखते हैं डिस्प्ले आया कि नहीं आया, अगर अभी डिस्प्ले नहीं आया तो फिर हम कुछ और दिमाग लगाएंगे। यहाँ से ऑन हो चुका है, देखिए भाई लोग डिस्प्ले आ गया, मतलब डिस्प्ले आ गया इन मन सेंस ये लाइट इसमें जल गया, गिर गया ना, ये अनलॉक बटन दबाने पे लाइट जलना बुझना चाहिए, अगर जलना बुझ रहा है इसका मतलब है कि यहाँ से सिग्नल आ चुका है, लगता है ये तार ढीला है, इसको टाइट कर लेते हैं, ये तार ढीला है टाइट कर लेते हैं। और देखिए ये वाला डिस्प्ले यहाँ पर आ चुका है, हमारा ये कुछ सेटिंग यहाँ करना पड़ता है, BGA कनेक्शन देना पड़ता है, इसको हम कर लेते हैं और देख लेते हैं हमारा ये डिस्प्ले आ चुका, क्लियर है ना। तो कुल मिला के ये कहने का तात्पर्य हमारा है कि इस कंप्यूटर में ना मेनली जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है रैम से प्रॉब्लम आती है। अगर डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो आप अपने कंप्यूटर को खोल लीजिए सिंपल तरीके से, चाहे किसी ब्रांड का कंप्यूटर हो, सिंपल खुल जाएगा, कैसे खोलते हैं, और थोड़ा सा दिमाग लगाइए मैक्सिमम। देखिए यही प्रॉब्लम होता है ना जिस कस्टमर को मालूम नहीं होता, आपको बता दूँ ऑन कैमरे में बता देता हूँ, हम लोग भी 300, 400, 500 रुपये ले लेते हैं कस्टमर से और कस्टमर को नुकसान हो जाता है। तो मैं कहता हूँ कि क्योंकि देखिए वीडियो को सिर्फ गोरखपुर से देखेंगे नहीं, आप वीडियो किसी कोने से देख सकते हैं, पूरे वर्ल्ड से देख सकते हैं, तो आपका पैसा बचना चाहिए, मेरी प्राथमिकता ये होती है। और आप भी अपने घर में कंप्यूटर के अंदर रैम को निकाल के और रैम को टाइट कर दीजिए और आपके कंप्यूटर में डिस्प्ले आ जाएगा दोस्तों। तो वीडियो आपको पसंद आए, आपको आया हो और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बताइए आपके लिए क्या अच्छा वीडियो बना सकते हैं और वीडियो को शेयर करें दोस्तों। चलिए आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों।